पनीर मसाला बनाने के लिए पहले आप पनीर को किसी भी शेप में काट लीजिए, प्याज काट लीजिए। उसके बाद एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दीजिए। चेक कर लीजिए कि तेल गरम हो गया है या नहीं। फिर उसमें कटा हुआ प्याज डाल दीजिए और उसे ब्राउन होने तक अच्छे से भूनिए। जब प्याज हल्का ब्राउन हो जाए तो उसे अलग से एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लीजिए और लहसुन की 8 से 9 कलियां हल्का ब्राउन होने तक पकाइए। लहसुन ब्राउन हो चुका है, अब इसे एक मिक्सी के जार में और जो प्याज हमने ब्राउन होने तक पकाया था उसे मिक्सी ग्राइंडर में पेस्ट बना लीजिए। हम 4 टमाटर लेकर मिक्सी में उसकी भी प्यूरी बना लेंगे। एक कढ़ाई में तेल गर्म होने पर जीरा, तेजपत्ता, लौंग, अब इसमें काली मिर्च डालेंगे, ब्लैक इलायची, दालचीनी डालेंगे और इसे थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे। इससे मसालों का फ्लेवर और भी अच्छा आता है। इन मसालों का यूज़ हमने फ्लेवर के लिए किया है। अब इसमें 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से भी कर सकते हो। अब इसमें प्याज और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और टमाटर की प्यूरी भी। अब इसे ऐसे ही थोड़ी देर पकने देंगे। इसे चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। इसे थोड़ी देर पकने देंगे, लगभग 3 से 4 मिनट, और थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे लो फ्लेम में पकने देंगे। इसमें 1 चम्मच पनीर मसाला भी ऐड करेंगे। पनीर मसाला आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब इसमें पनीर डालेंगे, अब इसमें 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च हमने फ्लेवर के लिए यूज़ की हैं, पकने के बाद ये और भी टेस्टी लगेंगी। बस इसे थोड़ी देर और ऐसे ही पकने देंगे। अब हमारी पनीर मसाला रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आपको अगर इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो या कुछ शिकायत करनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, वरना थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।